बस्तर जिला में पिछले सप्ताह शादी के मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक हुआ था, जिसको किसी और नहीं बल्कि दूल्हे की प्रेमिका ने की थी। अपने प्रेमी की बेवफाई से नाराज युवती ने दूल्हा और दुल्हन पर एसिड अटैक कर दिया था। इस दौरान मंडप में बैठे 12 लोग घायल हो गए थे। मामला भानपुरी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले कामड़ गांव निवासी आरोपी युवती की मुलाकात सुधा पाल के रहने वाले डमरू बघे से हुई थी। दोनों के बीच लगातार संपर्क रहा, एक दूसरे से शादी का वादा भी किए थे। हालांकि इस बीच डमरू बघेल ने किसी दूसरी लड़की से शादी तय कर लिया, जिसकी जानकारी प्रेमिका को लग गई। युवती को पता चलने पर उसने डमरू को कॉल किया। उसने शादी के बारे में पूछा पर युवक ने शादी से इनकार कर दी। बाद में युवती को फिर जानकारी हो गई और युवक को फिर फोन किए, किंतु युवक बार बार शादी से इनकार करता रहा। तभी उसकी शादी के मंडप में अचानक 19 अप्रैल की शाम लड़की पहुंच गई। उस दौरान आंधी तूफान चला था, जिस वजह से गांव में बिजली नहीं थी। उसी का फायदा उठाते हुए प्रेमिका ने एसिड अटैक कर दिया। रविवार को लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी निवेदिता पाल ने बताया कि आरोपी को पकड़ने जिला के करीब 10 से ज़्यादा थानेदार समेत पुलिस अफसर लगाए गए थे। भानपुरी जाने वाले मार्ग में लगे करीब 12 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सोनारपाल, बांगेला, मुंडा गांव, बस्तर समेत अन्य गांव में आरोपी की तलाश की जा रही थी। फिर मुखबिर से सूचना मिली कि इलाके की ही रहने वाली एक युवती के साथ डमरू का प्रेम प्रसंग था, जिसके बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि टीवी और मोबाइल फोन में एसिड अटैक की वीडियो देखी थी, जिसके बाद इसी तरह से अटैक करने की योजना बनाई। मिचबाड़ी में काम करने के दौरान समय निकालकर पास के देवड़ा बाजार से टीन का डिब्बा उठाया, फिर मिचबाड़ी के भंडार कक्ष में रखे एसिड को चुराकर डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख ली थी। इसके बाद किसी तरह से शादी स्थल पहुंची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में युवती की पहचान उजागर नहीं किया है, वहीं उसके चेहरे पर कपड़े बांध दिए थे। जबकि यह घटना करने वाला कोई लड़का होता तो उसे बेनकाब कर दी जाती, उसके चेहरे को बार बार दिखाया जाता और उसके नाम, उसके पिता का नाम, उसके पूरे खानदान का नाम पुलिस उजागर करती, किंतु इस युवती के नाम को गुप्त रख दिया है। धोखा दे रहे, शादी करवा बोलो 7 साल में बात करते रहे, मुके ऐसु करें पर करें बोलो नहीं करें। सारे सीसीटीवी कैमरेज देखे, कैमरे देखे गए, जो भी देहात इलाके में उपलब्ध था उसको देखा गया, तकनीकी साक्ष्य संकलित किया गया, गांव में मुखबिर तैनात किए गए, पुलिस बल को भी वहां पर सिविल स्टाफ में लगाया गया। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।